हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। ये हमारे कुछ प्लांट, आज का हमारा टॉपिक है कटिंग से इजीली लगने वाले प्लांट। उसमें सबसे पहले आता है ये ट्रायंगलार, छोटे छोटे पत्तियों वाला प्लांट। एक प्लांट से अनेकों पौधे, सैकड़ों पौधे हम बना सकते हैं। बस इसकी छोटी छोटी कटिंग लेनी है और मिट्टी में लगा देनी है। इजीली ग्रो होता है ये प्लांट। हमारा नेक्स्ट प्लांट आता है कोलियस का प्लांट। इसकी भी छोटी छोटी कटिंग लेके हम कई प्लांट बना सकते हैं। काफ़ी कलरफुल प्लांट लग रहता है ये, लो मेंटेनेंस रहता है और इजी टू ग्रो। विंग का प्लांट, ये भी कटिंग से इजीली ग्रो होता है। कई कलर में ये प्लांट आता है, फ्लावर्स इसके आते हैं, देसी हाइब्रिड वैरायटी। और ये बीज से निकले हुए कुछ पिंक का प्लांट्स, इजी टू ग्रो प्लांट होता है, कटिंग से आसानी से चल जाता है। इफोर्बिया मिली, क्राउन ऑफ थ्रोन्स प्लांट, साल भर फूल देता है ये प्लांट और कटिंग से आसानी से लग जाता है। कम पानी में भी अच्छी ग्रोथ करता है और हमारे गार्डन को भी लुक देता है अच्छा। हमारा नेक्स्ट प्लांट है रोज प्लांट। जिसे हम कटिंग से भी लगा सकते हैं, बस ऐसी छोटी छोटी कटिंग्स लेके लगा देनी है। पेंसिल जितनी मोटी कटिंग रही आसानी से ग्रो हो जाता है। बस इसका पानी का ड्रेन अच्छा होना चाहिए, ड्रेनेज, और मिट्टी में मॉइस्चर बना रहना चाहिए। और ये रहा हमारा सेट प्लांट, लो मेंटेनेंस, कटिंग से अच्छे से ग्रो करने वाला। एक प्लांट से कई प्लांट हम बना सकते हैं। सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है ये प्लांट। बस इसकी छोटी छोटी कटिंग लेके लगा देनी है। रूट्स निकलने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ग्रो हो जाता है प्लांट। इसे पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, कम पानी में धूप में अच्छे से ग्रो करता है ये प्लांट। और ये रहे हमारे कुछ कलांजो प्लांट्स, विंटर में अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। कटिंग से हम इस प्लांट को इजीली ग्रो कर सकते हैं। से रेड कलर के छोटे छोटे फ्लावर आते हैं और पूरा प्लांट विंटर में फूलों से भर जाता है। हमारे गार्डन को भी अच्छा लुक देता है ये प्लांट। इसकी ज़्यादा देखभाल भी नहीं करनी पड़ती, लो मेंटेनेंस प्लांट। ये रहा स्पाइडर प्लांट। एक प्लांट से कई प्लांट्स हम बना सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं। इसे हम पानी में भी और मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। बस ऐसे छोटी छोटी कटिंग लेके लगा देनी है। दिखने में को
सुंदर प्लांट लगता है ये हैंगिंग में वगैरह, इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। ये हमारा मनी प्लांट, कटिंग से आसानी से लगने वाला प्लांट, बस इसके नॉड एरिया से छोटी छोटी कटिंग लेके पानी में भी लगा सकते हैं, मिट्टी में भी लगा सकते हैं। और ये हमारा अगेन एक न्यू प्लांट और प्लांट, ये भी कटिंग से इजीली ग्रो होता है। देखने में भी सुंदर कलरफुल प्लांट, इसमें छोटे छोटे पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं। और ये हमारा हैंगिंग में चलने वाला खूबसूरत प्लांट वांडरिंग ज्यू, इसकी भी छोटी छोटी कटिंग लेके पानी में ग्रो कर सकते हैं, मिट्टी में भी, शेडी एरिया में भी अच्छे से ग्रो करता है और हमारे गार्डन की शोभा बढ़ाता है। ये रहे हमारे कुछ ट्रायंगल आर्ट कोलियस की कटिंग जो हमने हैंगिंग बास्केट्स में लगाई है। तो ये रहे फ्रेंड्स हमारे कुछ कटिंग से इजीली ग्रो होने वाले प्लांट्स। फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूले। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हुए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।